नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल MS ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, एक हमारे पास शीलिन की PLC है, जो शीलिन की PLC है असल में ये मिट्सुबिशी ही होती है, ठीक है। तो इस PLC में हम जो है हमारी ये है एक कस्टमर से आई है, उनको नहीं पता इसमें क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, तो हमें चेक करना है इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद चेक करने के बाद हमें आगे रिपेयरिंग में भेजनी है ये पता करके इसमें दिक्कत क्या है। तो आज ये वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर होने जा रही है, ठीक है। हम देख लिए इसमें, जैसे मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है पावर का इंडिकेटर भी आया हुआ है, ठीक है, रन का भी इंडिकेटर आया हुआ है, तो मतलब इसमें पावर तो हमारी आ रही है, ठीक है। और अब हमें यही चेक करना है इसमें और क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसमें दिक्कत रह गई या फिर एरर हो, इसमें एरर भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत रह गई, या तो इनपुट्स पॉइंट ख़राब होंगे या फिर इसके आउटपुट्स पॉइंट जो है वो ख़राब होंगे, ठीक है। और मैंने लैपटॉप से ये कनेक्ट करके देख लिया है, ये ऑनलाइन हमारी आ रही है या नहीं आ रही, तो ऑनलाइन ये आ रही है, तो ठीक है। तो टॉपिक हमारा आज का यही है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ जो है मैं आपको मिल सके, ठीक है। ये मैं देख लिया, हमने इसके जो है कनेक्शन कर रखे हैं, पावर इसमें दे दी है, और जो नीचे की तरफ है हमने ये पॉइंट्स है, इसमें 24 वोल्ट सप्लाई हमने ले ली है, उस 24 वोल्ट सप्लाई से जो है हम जो ऊपर के इनपुट पॉइंट है वहाँ पे हम इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है। और सप्लाई देने से हम जो है इसके इंडिकेटर को चेक कर लेंगे, इसके इंडिकेटर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। पहले तो हम ये चीज़ सारी हार्डवेयर में चेक करेंगे, इंडिकेटर इसके आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके बाद फिर हम इसको सॉफ्टवेयर में जो है चेक कर लेंगे, जैसे इनपुट में इंडिकेटर दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर में इनपुट में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अभी देख लिया मैंने आपके लिए वायरिंग कर रखी है, जो है 24 वोल्ट वो हमने कॉमन पे ले लिया है ऊपर, ठीक है। और एक जो 0 वोल्ट है वो हम इसके इनपुट्स पर लगा लगा के चेक करेंगे, ठीक है। ये देख लिए, ये हमारी 0 वोल्ट की वायर है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको किसी भी इनपुट पे लगाऊंगा, X0 X1 X2 किसी पे भी, जो हमारी इनपुट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देख लिए, यहाँ से मैं देख लिया X0 पे जैसे ही टच करूँगा, यहाँ से जो है इसमें X0 में सप्लाई आ जाएगी, आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम X1 में चेक करेंगे, सॉरी X4 है ये, X1 X2 X3, इसी तरह से हम इसको बारी बारी से ना सब में चेक करते चलेंगे, ठीक है। जिसमें इंडिकेटर नहीं आया तो उसको हम लिख लेंगे कि हमारी ये इनपुट ख़राब है, ये X10 X11 में नहीं है, X12 में नहीं है, 13 में नहीं आ रही, 14 में नहीं आ रही, 15 में नहीं है, 16 में है, ठीक है, और 16 में है, और ये 17 में नहीं है, ठीक है, ये 20, 21 में भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ना सब इनपुट को चेक कर लेंगे, ठीक है। जिसमें भी इंडिकेटर नहीं आ रहा तो वो हमारी इनपुट ख़राब है, ठीक है। तो इससे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी इनपुट जो है, जो इंडिकेटर है वो इस इनपुट का इंडिकेटर नहीं आ रहा है, तो हम गैस कर लेंगे कि भाई अभी फ़िलहाल तो हमारे इंडिकेटर ख़राब है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर जो है लैपटॉप में लगा के वो एक बार और चेक करेंगे। जैसे ही हम, कई बार क्या होता है, जैसे हम जैसे इसे इंडिकेटर आ रहे हैं ना, तो ये कई बार जो है इंडिकेटर दिखा देता है, पर ये जो है सॉफ्टवेयर में ये दिखाता नहीं है, मतलब कि इंडिकेटर तो ऑन हो जाएगा पर सॉफ्टवेयर में जो हमारी जो भी इंडिकेटर ऑन हो रहा है वो इसको ना ऑन नहीं दिखाएगा। कई बार ऐसा भी PLC में जो है प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉफ्टवेयर में जो है चेक कर लेंगे। तो अभी हमने हार्डवेयर में इसको चेक किया है, तो अब हम इसका सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर पर आपको दिखाता हूँ ये कैसे चेक करते हैं, ठीक है। पहले हमने मिट्सुबिशी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, जो हमारे पास प्रोग्राम था इस PLC का, वही प्रोग्राम हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए प्रोग्राम खुल चुका है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉनिटर मोड पर चले जाएंगे। मॉनिटर मोड पर जाने के बाद PLC हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, और ये देखिए वॉच का ऑप्शन है, स्टार्ट वॉचिंग में हम चले जाएंगे, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, जो है जिस भी इनपुट को सप्लाई देंगे वही इनपुट हमारी इसमें हाई होती हुई
हमें दिख जाएगी। ये देख लीजिए, हमने जो डिवाइसेस है इसमें हमने सारी इनपुट डाल दी है जितने भी हमारी इस पीएलसी में है, ठीक है। तो सारे के सारे इनपुट में हम इस पर ऐसे ही चेक कर लेंगे। ये देख लीजिए, सारे के सारे इनपुट हमने इसमें डाल दिए, ठीक है। एक इनपुट में आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ, X44 है तो यहाँ पर हम डाल देंगे X45। ऐसे ही हम इसमें सारे इनपुट, जो भी इनपुट है, आउटपुट है, जो भी हमें वॉच करनी है हम इसमें डाल सकते हैं, यहाँ तक डाटा एड्रेस भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा X0। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही मैं वहाँ से इसमें सप्लाई दूंगा X0 के अंदर, ये देख लिए X0 पे ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए इनपुट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये PLC के सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऑन हो रही है, ठीक है। तब हम दोबारा से इसको सारे के सारे इनपुट को ऐसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे सप्लाई आ रही है वो हमारे इनपुट बिल्कुल ओके है, ठीक है। चाहे PLC पे इंडिकेटर ऑन हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, अगर यहाँ पे सप्लाई वो जो है हमारी ऑन दिखा रहा है तो उसका मतलब वो इनपुट हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों का मैच करके हम फाइनल कंक्लूज़न पर पहुँच जाएँगे कि हमारी कौन सी इनपुट इसमें एक्चुअल में ख़राब है और कौन सी सही है, ठीक है। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट है जो मेरे से छूट गया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।